गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के रूप में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता आया हूँ। स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा चुनकर विधान परिषद में 3 बार भेजा गया हूँ। विधान परिषद में रहते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 2017 की पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए व्यापक भर्ती भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोग कानून के शिकंजे में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लोक कल्याण और विकास के अप्रतिम मानदंड स्थापित कर रही है तथा जनता को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के आदर्श समाज का सृजन कर रही है। योगी राज में प्रदेश के गुंडे, माफिया और अराजक तत्व सलाखों के भीतर हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदेश के स्नातकों, बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं तथा आम जनमानस के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने सभी स्नातक वोटरों से अपील करते हुए कहा कि 30 जनवरी को स्नातक चुनाव का चुनाव होना है, जिसमें मतदान करते समय नाम के आगे एक लिखकर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से विजय दिलाकर विधान परिषद में अपनी आवाज को बुलंद करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह एवं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, एवरेस्ट तक ले जाने का उत्तरदायित्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत कंधों पर है। योगी जी की कार्यश में एक नया वातावरण बना है, एक नया प्रदेश बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। योगी जी की कोशिश है $5 ट्रिलियन को स्थापित करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित कर मुझे समर्थन दिया। 94,150 संघों के दोनों मेरे लिए 18 तारीख को अयोध्या में घोषणा करें और माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने यही बात बतानी थी, भूल गई थी। आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संदर्भ में आपसे संयुक्त पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और मैं भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हम लोग संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे रूबरू हुए हैं। आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे संगठन की संरचना के अनुसार और हमारे प्रत्याशी ने भी अलग अलग सभी जनपदों में दौरा करके अपने वोटर बनाने के से लेकर के और सहेजने तक का काम और हमारे हर जिलों में बैठ के मतदान केंद्र बूथ तक हमने अपने संरचना के माध्यम से पूरी तैयारी की है। सामान्य रूप में 17 जिलों का ये बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और इसलिए सभी लोगों तक पहुंचना, हमारे प्रत्याशी का पहुंचना, हम लोगों का भी पहुंचना बहुत संभव नहीं हो पाया क्योंकि 10 दिन का समय है, लेकिन इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सब अपील करने आए हैं कि आने वाले 30 तारीख के निर्वाचन में जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वहीं 2017 के बाद एक नया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन रहा है जो 2017 के पहले गुंडा राज, अपराधियों का को संरक्षण देने का था, उन सबको दफन करते हुए एक विकास की गति और आस्था के केंद्रों को मजबूत करते हुए योगी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग अपील करने आए हैं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी को जब वोट पड़े तो एक एक वोट मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मित्रों से और सभी स्नातक बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी भर्तियों में घोटालों को लेकर के इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, एक लड़ाई लड़ी थी और आज भी विधानसभा परिषद में लगातार मुखर रहते हुए हर मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रत्याशी को अपील करने आया हूं कि आप 30 तारीख को एक एक मत दे करके
मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत बना करके एक नए उत्तर प्रदेश को योगी जी के नेतृत्व में जो बढ़ रहा है उसमें और मजबूती प्रदान करें, मैं यही अपील करने के लिए आज आप सबके सामने आया हूँ। आगामी 30 जनवरी को गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से मेरी सीट पर चुनाव होना है। मैं पिछले 6 वर्षों से ही नहीं बल्कि 18 वर्षों से निरंतर सड़क से लेकर सदन तक नौजवानों की आवाज़ बना हूँ। पढ़े लिखे लोगों के मुद्दों के साथ मुखरता से उनका पक्ष रखा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हूँ। 2017 में मैं उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। उनके भर्ती भ्रष्टाचार के पर्याप्त साक्ष्य मेरे पास थे और मैंने जीत की शुरुआत किया। 2017 में पूर्ण बहुमत की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। फिर 2022 में 23 में मेरा चुनाव है। मुझे जीत का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है कि न भूतो न भविष्यति कोई व्यक्ति उस कीर्तिमान को तोड़ ना पाए, उस रिकॉर्ड को तोड़ ना पाए। और 24 में एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी। मेरा ये संकल्प है, एक ऐसे वातावरण का सृजन करेगा मेरा चुनाव प्रधान जिसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार बनेगी और सशक्त और समर्थ भारत की यात्रा तीव्र गति से आगे बनेगी। हम सब ये चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों का नेतृत्व करे, पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, पूरी दुनिया भारतीय नेतृत्व की तरफ संकट काल में दुश्मन भी उन्हें आदरणीय मोदी जी को याद करें। ये भारत की सफलता है, ये भारत का नया कीर्तिमान है, ये नया भारत है कि बड़े बड़े धुरंधर राष्ट्र भी मोदी जी के आगे घुटने टेक दे रहे हैं, नतमस्तक हो जा रहे हैं। धन्यवाद। तो देवेंद्र सिंह की भी सफलता कि आपके आगे लोगों ने घुटने टेक दिए जो आपके खिलाफ नामांकन करने वाले थे। देखिए, इनको नकारात्मक दृष्टि से मत लीजिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन का प्रदर्शन किया है कि वो लोग चाहते हैं कि जीत का रिकॉर्ड कायम हो, इसमें उनका भी योगदान है, इसीलिए वो लोग मैदान से बाहर हुए। कहीं कहीं आपकी रणनीति मेहनत जो आप काम करते हैं साहब, एक बात आप नोट करिए, मैं 6 साल चुनाव लड़ता हूँ। दूसरी बात नोट करिए, गंभीर बात है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला अवसर है कि कोई शिक्षक संगठन मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं लड़ा है, मेरे खिलाफ किसी को समर्थन नहीं दिया है। सभी शिक्षक संगठनों ने मुझे समर्थन देने का ऐलान किया है। ये देवेंद्र सिंह की काबिलियत थी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? भाई, ये हम सब की काबिलियत है। धन्यवाद, हम सब इसमें शामिल हैं।